नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बैंक कर्मियों की छुट्टी को लेकर, खास करके अगस्त के महीने को लेकर। अगस्त महीने में अगर कोई काम है तो आप अपने काम को लेकर सोच सकते हैं, यानी कि एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि कितने दिनों की छुट्टी में आप किस किस तरह का काज कर सकते हैं, या फिर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस पर भी विचार कर सकते हैं। बता दें कि अगस्त के महीने में रीजनल और ओवरऑल मिलाकर कुल 11 छुट्टियां मिल रही है। अगर RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर छुट्टियों की दी गई लिस्ट को अगर हम देखेंगे तो उसमें बैंकिंग अवकाश, विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों या फिर उन राज्यों में खास अवसरों की अधिसूचना पर निर्भर करता है, यानी कि राज्यों के लिए अलग से छुट्टियाँ जारी होती है। लेकिन अगर RBI की बात कर लें तो उसने जो है अलग अलग राज्यों के साथ ओवरऑल जो है छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। अगर हम पूरे देश के हिसाब से छुट्टियों की स्थिति को देखेंगे तो 7 अगस्त को पहला रविवार है, इसलिए इस दिन साप्ताहिक अवकाश होना है। 9 अगस्त को मुहर्रम को लेकर अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर और रांची के बैंक जो है वो बंद रहने वाले हैं। 11 अगस्त को रक्षाबंधन है, पूरे देश में इस दिन छुट्टी रहेगी। 13 अगस्त को दूसरा शनिवार है, पूरे देश में इस दिन इस लिहाज से छुट्टी रहेगा। 14 अगस्त को रविवार है, इसलिए इस दिन जो है साप्ताहिक अवकाश की घोषणा है। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है, तो ऐसे में पूरे देश जो है इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ऐसे में बैंक में इस दिन भी कामकाज नहीं होंगे। 16 अगस्त को पारसी नववर्ष मनाया जाता है, इसलिए मुंबई और नागपुर ये दो ऐसे जगह हैं, यानी खास करके महाराष्ट्र की बात कर लें तो यहाँ पे बैंक बंद रहेंगे। 18 अगस्त को जन्माष्टमी है, इस दिन पूरे देश में छुट्टी होगी क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। 21 अगस्त को रविवार है, तो इस हिसाब से साप्ताहिक अवकाश का दिन है, ऐसे में 21 अगस्त को छुट्टी रहने वाला है। 27 अगस्त को दूसरा शनिवार है, तो इस लिहाज से इस दिन भी बैंक बंद रहेगा। 28 अगस्त को रविवार है, तो इसलिए जो है साप्ताहिक अवकाश की घोषणा भी इस दिन की गई है। अगस्त महीने में बैंक कर्मियों को चांदी है। बता दें कि इस महीने में पूरे देश में अगर हम छुट्टियों की स्थिति को देखें तो 11 दिन बैंक बंद रहेंगे, लेकिन यह पूरे देश में राज्यों के हिसाब से भी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में 13, 14 और 15 अगस्त को बैंक पूरे देश में बंद रहने वाला है क्योंकि शनिवार है, 14 अगस्त को रविवार और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में यह बैंक जो है 3 दिन बंद रहने वाले हैं। अगर बैंक कर्मियों की बात कर लें तो 2 दिन का अगर CL लेते हैं तो 7 दिन तक उन्हें जो है छुट्टी मिलने वाला है। दरअसल 9 अगस्त को मुहर्रम है, 10 अगस्त को CL लेना होगा और 11 अगस्त को रक्षाबंधन है, फिर 12 अगस्त को आपको फिर से CL लेना होगा, 13 अगस्त को दूसरा शनिवार है इस लिहाज से इस दिन छुट्टी, 14 अगस्त को रविवार है इस दिन साप्ताहिक अवकाश और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे में आप 8 अगस्त को अगर बैंक में जाते हैं तो 2 CL लगाने के बाद आपको सीधा 16 अगस्त को बैंक जाने की जरूरत होगी। बैंक कर्मियों के लिए अगस्त का महीना छुट्टियों भरा रहने वाला है, लेकिन हमारे और आपके लिए जिनका काम काज है बैंकों से जुड़ा हुआ है, जो व्यापारी तबके के लोग हैं या फिर जो आम लोग हैं जिनको पैसे निकालने हैं, जमा करने हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर से कोई भी काम जुड़ा हुआ है, तो आपको भी यह लिस्ट जो है एक बार देख लेनी है क्योंकि इस बार जो है 13 दिनों की छुट्टी है पूरे देश को मिलाकर। लेकिन अगर हम बिहार की बात कर लें तो 3 दिन तो छुट्टी रहना ही है, 13, 14 और 15, ये 3 दिन जो है छुट्टियां रहने वाली है। तो इस लिहाज से जो है हमें एक बार फिर से बैंकों के कामकाज, अगर आपका है बैंकों से जुड़ा हुआ तो आपको यह पूरा देखने की ज़रूरत है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।